नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, डीजीटी जो है तो मैंने सीबीटी एग्जाम 22 तारीख को सक्सेसफुल हुआ। थोड़ी सी कहीं पर गड़बड़ियां हुई, छोटी मोटी गड़बड़ियां हुई हैं, उसको बाद में सुधार लिए गए। और चैन की नींद आज, मतलब मैंने कल रात को, 22 तारीख को रात को जो है तो डीजीटी ने सोए वहाँ के अफसरों में। टेंशन था भाई, पहली बार एग्जाम का ये टेंशन था, नए टेक्नोलॉजी के साथ में और सक्सेसफुली रहा, तो इसको बधाई देना बनता है। मेरा एक काम है कि जब डीजीटी अच्छा करती है तो मैं निश्चित ही हूँ उसको वाहवाही के पात्र में उसको डालता हूँ और कहता हूँ कि अच्छा काम किया। जब आप खराब करते हो तो निश्चित ही सवाल उठाता हूँ मैं, चूँकि हमारा काम ही है एज ए मीडिया, मेरा काम ही है कि अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा कहिए। तो 22 तारीख को जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ, छोटी मोटी छुटपुट घटनाओं के साथ में सक्सेसफुली पूरा सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आई है। अब इससे एक चीज़ हो जाएगी कि जो छात्र अभी एग्जाम नहीं दे पाए हैं उनसे बोल रहा हूँ कि आप 15 सितंबर तक, बल्कि आपको विश्वकर्मा जयंती तक शांति के साथ बैठना चाहिए। और कब तक मैं कहूँगा कि अभी मैं डीजीटी को कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी डीजीटी परीक्षा करवाएगी, रिजल्ट निकालेगी और फिर विश्वकर्मा जयंती के दिन एक आयोजन जो करती है वो आयोजन को सक्सेसफुल कर लेने दीजिए, ठीक है ना। जो लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अच्छे से एग्ज़ाम दें, उनके पास कोई दिक्कत खड़ी ना हो, उनका रिजल्ट आ जाए, इसके बाद आगे के मुद्दे। और जो बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, पहले वाले सप्लीमेंट्री वाले भी हैं, लेफ्ट ओवर वाले हैं, उनके मुद्दे चलेंगे। लेकिन 20 तारीख तक आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम सक्सेसफुली करवाने दीजिए। जब ये एग्ज़ाम सक्सेसफुल हो जाएगा तभी आपका एग्ज़ाम होगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा। एक चीज़ और बोल रहा हूँ, यहाँ डीजीटी के अधिकारियों को बधाई देने के साथ साथ, मूर्ति सर आपको एक चीज़ कह रहा हूँ सर, कि फिर वो प्रैक्टिकल का जो नंबर का वाला अप्रूवल वाला होता है ना, तो उसमें देरी ना हो सर। फिर आप क्या करते हो सर कि वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ते फिर बढ़ाना पड़ता है, तो वो स्टेट डायरेक्टर को, नोडल को प्लीज़ सर अभी से ही बोल दीजिए कि टाइम है सर, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया है सर, नंबर चढ़ गया, किसका किसका नंबर नहीं आया है सर, देख लीजिए सीबीटी एग्ज़ाम तो अब आपका बढ़िया हो रहा है ना, तो अभी ये चीज़ें चलेंगी सर, तो हफ्ते भर 10 दिन में हो जाए सर, 2-4 तारीख तक में हो जाए, 5 तारीख तक में आपका प्रैक्टिकल का नंबर का हो जाए सर, तो फिर जो आपने बनाया हुआ है सर कि रिजल्ट आ जाए, आप रिजल्ट में लगे हुए हो, मेरे को पता है कि आप वो विश्वकर्मा जयंती के पहले पहले सब चीज़ें कर दोगे, लेकिन सर फिर वही हड़बड़ाहट ना हो, तो प्रैक्टिकल वाला जो नंबर चढ़ाने का है वो एक टीम को लगा दीजिए, बता दीजिए। मेरे हिसाब से आप कर भी रहे होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ, चूँकि ये हर बार की चीज़ें हैं कि प्रैक्टिकल का नंबर सही लड़कों का नहीं चढ़ पाता है, उसके कारण लड़के एब्सेंट हो जाते हैं या फिर लड़के फेल हो जाते हैं, तो उस पर भी एक साथ नज़र रखिएगा। और आज परीक्षा हो गई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अब इसके बाद जो है तो विश्वकर्मा जयंती के बाद आप निश्चित ही बैठेंगे और पूरे जो ओल्ड एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनको आप करवाने में बिल्कुल सक्सेसफुली काम करवाएंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए, एक बहुत बड़ा जो टेंशन था, एक बहुत बड़ा बोझ था डीजीटी के ऊपर, डीजीटी के अफसरों के ऊपर, स्टेट के ऊपर था, और आईटीआई वालों को खास तौर से लग रहा था कि यार ये एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, फ़ोटो की दिक्कत हुई है, फ़ोटो नहीं थे तो आईटीआई वालों ने फ़ोटो लगा करके सील साइन करके दे दिया। अब वो मार्कशीट वाली बात है ना, तो वहाँ देखिए आपके पास बहुत सारे प्रोसेस है, अभी डीजीटी उसको ठीक कर लेगी, है ना, उनके पास टाइम है, ठीक कर लेगी, नहीं तो फिर एक ग्रीवांसेस वाला मामला है, ग्रीवांसेस वाला मामला हो करके आपकी फोटो लग जाएगी, उसको कोई इशू ना बनाए, उसको कोई अभी मुद्दा ना बनाए। इसके लिए डीजीटी को विधिवत मैंने बताया है, पॉइंट वाइन बताया है, बहुत सारे किया है, कई बार तो एडमिट कार्ड में कई चीज़ें आ गई हैं, है ना, तो वो फोटो पर आप लोगों ने जो फोटो लगाई है इसके बाद ग्रीवांसेस का मौका मिलेगा, ग्रीवांसेस में हो जाएगा। और अभी डीजीटी लगी हुई है कि इसको जो है तो 5 तारीख के पहले पहले, सितंबर के पहले पहले ये सब कुछ आप कर लेगी। जैसे आप आज उनका पहला टास्क था, पहला टास्क ही बहुत कठिन होता है, पहला लेयर से वो निकल गए,
अब जो होंगी वो अब बस हो गया, वो एजेंसी का काम है, वो एजेंसी अपना काम करती ही रहेगी और एजेंसी काम अपना नंबर को भेजती रहेगी। अब वो नंबर को चढ़ाने का, रिजल्ट करने का, उसका टेंशन डीजीटी को है, तो वो एजेंसी के साथ मिल करके कर लेंगे। बहुत सारे लड़के जो इस तरह के सवाल कर रहे थे कि सर हमारा एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं है, फादर नेम गलत है या मदर नेम गलत है, डेट ऑफ है, तो उसके लिए ग्रीवांसेस मिलेगा, उसके लिए टाइम देगी डीजीटी, है ना। तो उसको आप मुद्दा अभी मत बनाइए, अभी बड़े आराम से एग्जाम हो जाने दीजिए। जो आपके पास सामने ये काम है, एग्जाम हो जाने के बाद ये सारी कार्रवाई होगी। और हाँ, थोड़ा सा अभी हमको न्यूज़ दिखाने का टाइम दे दीजिए, बहुत सारे अभी मुद्दे बचे हुए हैं, मैं बता दूँगा, इन्फ्लेशन के मुद्दे हैं, कोर्स के मुद्दे हैं, आईटीआई के मुद्दे हैं, तो थोड़ा सा अब कल से उस तरफ भी 10-15 दिन तक, हफ्ते 10 दिन तक जब भी हो तो उस तरफ भी जाने दीजिए। उस तरफ भी बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं, इन्फ्लेशन वाले बहुत सारे लोग लगे हैं, ओल्ड वाले हैं, ग्रेडिंग वाले हैं, आईटीआई के फीस के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो थोड़ा उस तरफ हमको जाने दीजिए। आप जानते हैं कि हम किसी एक मुद्दे को लेकर के रोज़ उसी चीज़ को नहीं जाते। हमारा काम था कि 22 तारीख तक आपको उस मुद्दे को यहाँ तक ले आना, वहाँ तक ले आ दिए। अब एग्ज़ाम आपका सफल हो गया है, अब आगे भी होता रहेगा, अब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद बात की जाएगी, है ना। तो अभी मैं कहूँगा कि 10 तारीख तक थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और 10 तारीख तक हमको थोड़े से नए मुद्दे उठाने का टाइम दे दीजिए, वहाँ पे उठाएं और वहाँ पे काम करें, क्योंकि वो अभी ही हैं। अभी एडमिशन की भी लेकर के बहुत सारे लड़कों ने एडमिशन के लिए बोला कि सर कम से कम ट्रेड के बारे में बताइए, तो वो सब चीज़ें होती रहें, ठीक है। तो चलिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेसफुल चीज़ें हो गई हैं, बाकी चीज़ें अब इसके बाद होंगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और आईटीआई का आपको देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डिजिटल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों, एमआरपी से 78% कम, सिर्फ ₹149 में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फ़ोन उठाएं और कॉल करें 7063703603 पर।